दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा ही मनोरंजन और आत्मशिक्षा का माहौल रहता था। अकबर का सबसे अच्छा मंत्री और दोस्त बीरबल हमेशा समस्याओं के समाधान में मदद करता था। एक दिन दरबार में एक बड़ा सवाल उत्पन्न हुआ। एक विद्यार्थिनी ने अकबर सम्राट से सवाल पूछा, सम्राट जी कृपया मेरे सवाल का उत्तर दें, क्या जीवन में प्यार और मोहिनी विद्या के बीच क्या अंतर होता है? इस सवाल ने सभी को चुनौती दी, लेकिन अकबर ने खुशी खुशी स्वागत किया। वे बोले, यह एक अच्छा सवाल है, मैं तुम्हें उत्तर इस शरीर से दे सकता हूं, परंतु बीरबल को भी इस सवाल का उत्तर देने का हक है। बीरबल को सवाल का समय मिला और वे ध्यान से सोचने लगे। फिर उन्होंने इस तरह से उत्तर दिया, सम्राट जी यदि हम दूसरों को आकर्षित करने की कोई कौशल विद्या का उपयोग करते हैं तो वह प्यार होता है। जब हम खुद को अपने भावनाओं और आदर्शों के साथ शांति से रखते हैं और दूसरों को भी वैसा ही करने का अवसर देते हैं तो वह मोहिनी विद्या होती है। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर हैरानी से देखा कि बीरबल कैसे इस मुश्किल सवाल का जवाब दिया। वे खुशी खुशी समझ गए कि मोहिनी विद्या उस गुफा में छिपी होती है जिसमें सच्चा प्यार बसा होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपकी आत्मसमर्पण और अच्छे आदर्श दूसरों को आपके पास आकर्षित कर सकते हैं, जो अद्भुत और साहसी मोहिनी विद्या का निरूपण करते हैं।